वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है बहुत सारे लोगों को समय से पहले फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइंस आने लगती हैं, या लोगों के चेहरे पे डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन या स्किन की और अदर डिजीजेस क्यों होने लगती हैं? उसका एकमात्र कारण है फ्री रेडिकल्स। और अगर ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो क्या होता है ये फ्री रेडिकल्स, कैसे बनता है हमारे शरीर में और इनसे कैसे बचा जा सकता है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, फ्री रेडिकल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री को समझना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं फ्री रेडिकल को बताऊँ। सारी दुनिया जो है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। जो कुछ भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं, नदी, पहाड़, झरने, जानवर या आपके घर में जो भी सामान है, टीवी, फ्रिज, सब कुछ मॉलिक्यूल से बना है। उसी तरह हमारी बॉडी भी मॉलिक्यूल से बनी है और मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है। इस तरह एटम सबसे छोटी इकाई होती है, आप इसे कह सकते हैं कि वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो इस एटम की बाहरी कक्षा में चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह सौरमंडल में हमारी पृथ्वी सूरज से चक्कर लगाती रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा जोड़े में होते हैं, बट कभी कभी एटम का स्ट्रक्चर टूट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जोड़े बिछड़ जाते हैं या वो जोड़े के रूप में नहीं रहते हैं। तो ये जो ऐसे एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, इन्हीं को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल या एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो अनस्टेबल एटम और मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये फ्री रेडिकल्स हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़े के रूप में बना लें। और वो कैसे बनाएंगे इन्हें, वो जो हेल्दी सेल्स होती हैं ना, जिनके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, वो उनसे इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेती हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स थे जिनके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो उन्होंने हेल्दी सेल से चोरी कर लिया उनका इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इन्होंने अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन जिनसे चोरी किया वो अनस्टेबल हो गए, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में नहीं रहे। तो अब वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया, तो वो अब दूसरी हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन चोरी करने की कोशिश करेगा। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब ये समझते हैं कि फ्री रेडिकल से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि फ्री रेडिकल के ही कारण से हमारी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस, कोई भी दाग धब्बा, पिगमेंटेशन या कोई भी अदर स्किन डिजीजेस होती हैं। और अगर ये फ्री रेडिकल्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी गंभीर बीमारियां, जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब ये समझते हैं कि फ्री रेडिकल हमारे शरीर में कैसे बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनता है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के कारण, मतलब जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया के कारण फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बनता है। एयर पॉल्यूशन के कारण बनता है, यूवी रेस के कारण बनता है, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ कोई हानिकारक सब्सटेंस है उसके कारण भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये समझते हैं कि कितने तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं। कभी कभी जो ऑक्सीजन होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, मतलब जो ये ऑक्सीजन दो हिस्सों में बढ़ गई है ना, ये एक सिंगल सिंगल एटम है और इन एटम्स के पास इनके जोड़े के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ऑक्सीजन कैसे दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उसका कारण होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन दो हिस्सों में बढ़ जाती है और यही फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर में कैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है
और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के कारण हमारा शरीर उस खाने से ऊर्जा तो ले लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो होती है उस समय दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और यही ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होती हैं। मतलब ये ऑक्सीजन सिंगल एटम्स होती हैं, और ऐसे एटम होती हैं जिनके पास पेयर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जब हमारा शरीर खाने से ऊर्जा लेता है तो ऊर्जा तो लेता ही है, साथ साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में फ्री रेडिकल को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। मतलब खाने से शरीर ऊर्जा तो लेता है, लेकिन साथ साथ फ्री रेडिकल्स भी हमारे शरीर में बनते रहते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे ये फ्री रेडिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए हेल्दी सेल पर हमला करते रहते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक इनको रोका ना जाए। फ्री रेडिकल का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे शरीर में खाना पचाने के समय बनते हैं, और उसके अलावा एयर पॉल्यूशन, अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, और या किसी ऐसे हानिकारक वातावरण में रहते हैं जहाँ हवा में बहुत सारे हानिकारक सब्सटेंस है, उसके कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अब हम समझते हैं कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में बन रहे हैं उनसे होने वाले नुकसान को हम कैसे कम करते हैं। जिस तरह फ्री रेडिकल नेचुरल प्रोसेस के कारण हमारे शरीर में बनता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, और यही एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के प्रभाव को कम करते हैं। क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट? फ्री रेडिकल हमेशा क्या करता है, हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन को चोरी करता है और अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को पूरा कर लेता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो फ्री रेडिकल को ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि तुम मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन हेल्दी सेल पे हमला मत करो। तो इस तरह एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, जिससे फ्री रेडिकल हेल्दी सेल पर हमला नहीं करता है। इस तरह एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से होने वाले दुष्प्रभाव से हमारे शरीर को बचा लेता है। और एंटीऑक्सीडेंट कैसे मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर नेचुरली भी प्रोड्यूस करता है, और जो हम खाना खाते हैं उनसे भी मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर करने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको डिटेल में बताया है, नेक्स्ट वीडियो में एंटीऑक्सीडेंट्स को मैं कवर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।